ऐसा ये जो व्लॉग में है ना बिहाइंड द सेंस बाद में डालना बिहाइंड द सेंस सेंस क्या होता है ओ सॉरी यार सेंस नहीं वो बिहाइंड द सीन यार बिहाइंड द सेंस बिहाइंड द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको बालाकोट की खूबसूरती बताएंगे। वो भी आईफोन में भाई इस वाले में इस वाले में नहीं सही वाले आईफोन में बताएंगे। अच्छा। अभी हम लोग जा रहे हैं बालाकोट तो चलिए आपको साथ लेके चलते हैं। रोड साइड पे इस तरह जगह बनी हुई है बैठने के लिए, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये सारा रहा यहाँ से व्यू। ये आई थिंक ये बीसियाँ हैं नीचे या बालाकोट है अब मैं कंफर्म नहीं है। खिदर आप बताएं ये नीचे क्या है। ये बीसियाँ है भाई। हाँ डीसी डीसियाँ डीसियाँ का चौकी यहाँ। ये नीचे गाँव आगे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये चश्मे का पानी है, जब भी आपको ये रास्ते में नजर आए तो लाजमी पिया करें, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। लेकिन मेरे इस भाई की फिर भी सेहत भी अच्छी हुई थोड़ा सा। अच्छा तो मानसरा से बालाकोट तक का जो डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर है बाटाटोट यार। अच्छा तो बालाकोट आज की डेट है 29 नवंबर। बालाकोट में तो बर्फ नहीं पड़ी बट बालाकोट से जो आगे वाले एरियाज हैं लाइक नरान कागान शोकनान वहाँ बर्फ पड़ चुकी है, वहाँ आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। अभी ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ये आई थिंक शोकनान की है, शोकनान में बर्फ पड़ चुकी है। बालाकोट बाज़ार पहुँचने से पहले ही आपको अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ आप रात रुक सकते हैं सुकून से। और इन होटल्स के बिल्कुल सामने दरिया कुनहार जा रहे हैं जो कि आपके स्टे को और भी खूबसूरत बना देगा। बालाकोट तक तकरीबन 40 किलोमीटर है, एक घंटा लग जाता है, एक सवा घंटा। लेकिन अगर ट्रैफिक ना हो, क्योंकि सीजन में ट्रैफिक होती है इस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। और हम लोगों को तो टाइम वैसे भी ज़्यादा लगे क्योंकि हम लोग स्लो स्लो आते रहे रुक रुक के, इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा लगे। तो मैक्सिमम एक सवा घंटे में आप लोग ईजिली बालाकोट पहुँच जाते हैं। बालाकोट से पहले अगर हस्सा के मकाम पे आप रुकते हैं तो आप अपना बालाकोट का ट्रिप और भी इंजॉय कर पाते हैं। हस्सा के सीन्स कैसे हैं आपको दिखाते हैं। बाय 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 ली 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 बाय 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 बाय। हेलो सर बाय 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 बाय। हस्सा के पुल से थोड़ा सा हम लोग आगे आए हैं, ये पर्सन मेरी फेवरेट जगह है। हम लोग अक्सर यहाँ पे आते होते हैं, कुछ खाने का सामान ऊपर से ले आते हैं, कबाब ले आया या इस तरह का कुछ और चीज़ें लेके हम लोग इधर खाते होते हैं। ये मेरी पर्सनल फेवरेट जगह है, आपको भी यहाँ के सीन दिखाते हैं और यहाँ भी अपनी भी कोई थोड़ी पेट पूजा करते हैं। अच्छा जब भी आप कभी इस तरह दरिया के किनारे आएँ तो दरिया में अंदर ना जाने की कोशिश ना करें,
ठीक है, क्योंकि ये जो दरिया है बहुत ही ख़तरनाक है और इसने बहुत सारी जाने ली हैं, तो कोशिश करें इस साइड से रहें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप कभी भी किसी के साथ छत लगा के इस दरिया में ना जाया करें, ठीक है। इधर पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह एक दूसरे के साथ छत लगाई हुई है और ये कि हम ये क्रॉस करेंगे और वो अपनी जाने गंवा बैठे हैं, तो इसलिए कभी भी ये काम नहीं। बिल्कुल, ये दरिया बहुत सारी जिंदगियां खा चुका है। इन दो भाइयों ने अपने लिए ये लिए हैं समोसे, और मैं अक्सर जब भी ट्रैवल पर होता हूँ मैं अपने लिए ये चीज़ें खाता होता हूँ। ये अनार आ गया, मैं इसका नाम ही भूल गया था, अनार आ गया और नीचे ये केले आ गए। अनार की ये चीज़ खाया करें। यस, पॉम ग्रेनेट। एसन भाई, आप तो अभी कह रहे थे मैं अनार खा रहा हूँ, हेल्दी फूड। वो सिर्फ वीडियो के लिए था, लेकिन वो भी खाने के लिए लिए हुए हैं। अनार का जूस बना के इसको डाल रहे हैं। और जब भी कभी ऐसी जगह पे खाएं तो इंसानों की तरह अपना कचरा अपने साथ लेके जाया करें। यहाँ से बालाकोट का प्रॉपर बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। बालाकोट बाज़ार में आपको हर किस्म की खाने की, पहनने की, ओढ़ने की हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी। बालाकोट का बाज़ार हम आपको किसी और व्लॉग में बताएंगे, इस व्लॉग में आपको सिर्फ ये थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। ब्लॉग एंड करते हैं, पर रिजल्ट देखूं कहाँ अच्छा आते यार। ऐसा ये जो ब्लॉग में है ना, बिहाइंड द सेंस बाद में डालना। बिहाइंड द सेंस, सेंस क्या होता है? ओ सॉरी यार, सेंस नहीं, वो बिहाइंड द सीन यार। बिहाइंड द सेंस, बिहाइंड द सेंस। ओके सर, क्या होगा तेरा यार। अच्छा, अभी हमारा बिहाइंड द सेंस वाला सीन हुआ है ना, इधर से मुझे एक बात याद आई है। मुझे और सफ़ीर को जितनी थोड़ी बहुत जो इंग्लिश आती है ना, वो इस बाइक का करूँ इस वजह से आती है। हमें पता ही नहीं था पार्लर को पाउलर बोलते होते हैं। ये चीज़ें इन भाई ने सिखाई है, जो फेस पे जो क्या करते हैं, स्क्रब करते होते स्क्रबिंग, वो ये चीज़ें इस भाई ने हमें सिखाई है। हमें नहीं आती इंग्लिश, हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये चीज़ें इसकी वजह से हमें आती है। हाँ जी, बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।